फ्री डिनर फ्रॉम स्विगी। यहाँ पर पर्सन टैप यहाँ पर जरूर दिया जा रहा है। अक्षत को पता है कि उनको सर्वाइव करना, अपनी टीम के साथ रहना है, अपनी टीम के लिए सर्वाइवल निकालना है। इनसेन के सुनामी, उन्होंने देखा M16 का इस्तेमाल किया, बट एज ऑफ नाउ नो डैमेज। इनसेन स्पॉट तो कर लिया यहाँ पर सुनामी ने, कि कोई इतना कोई प्लेयर था आसपास निकला है, गाड़ी से चेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये हो सकता है देन प्रॉब्लम हो जाएगी। ओपन कंपाउंड की तरफ बढ़ चुकी है टीम सोल, अक्षत एंड गॉब्लिन एज अ डुओ अभी इन चुनिंदा घरों के आसपास लूट करते हुए दिखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सर्कल के अंदर भी प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज यू नो द डील, जहाँ पे ओमेगा वहाँ पे सर्कल, बट सेंटर पे तो बहुत सारी टीम ऑलरेडी FS रोजॉक के मजे लूटते हुए, वहीं पे स्कूल अपार्टमेंट के आसपास आपको दिख रही टीम OR पचिंकी का जो दबदबा है वो अभी भी ब्लाइंड के पास है, एंड रुइंस जो हमारी वाटर सिटी है आसपास का एरिया स्काईलाइट्स ने हथियार रखा है। टीम सोल ऑलराइट, उनकी तरफ से भी मूवमेंट सभी के लिए होंगी, थोड़े थोड़े एरियाज इधर उधर के देखने हैं। नाउ टीम सोल नीड्स अ मिरेकल, इनफैक्ट अगर बात करी जाए ना, वो मिरेकल उनको चाहिए। क्या मॉर्टल काना वो लकी चाम बन पाएगा इस टीम के लिए, राइट? वो बहुत सारे सवाल हैं, बट इस गेम के अंदर जैसे ही फाइट्स होंगी जो भी होगा तभी मिलेंगे सारे जवाब, हर चीज़ के जवाब उसी समय मिल सकते हैं। स्काईलाइट्स की अगर बात करी जाए, वाटर सिटी तक का एरिया येस वो लूट रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो रोजॉक स्कूल अपार्टमेंट्स कहीं नहीं जा सकते। FS है, OR है, मल्टीपल टीम्स है। रेवरेंट भी यासना से बहुत जल्दी उन्होंने मूवमेंट कर लिया और खुद को थोड़ा जो यासना के पीछे फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पर लेकर के आ चुके हैं, बट टीम गॉड लाइक दिस डिसीजन, ये एक बहुत विचित्र सा डिसीजन है, काम कर रहा है अभी के लिए चल रहा है। ओजी सेवरनी के एरिया में, वहाँ से धीरे धीरे ये लोग मूव करके खुद को सही जगह पर लेकर के आ सकते हैं। ओजी के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है, देखिए टॉप 3 टॉप 5 में जो टीमें हैं ना, कौन कहाँ किधर है वो नहीं पता, अब सबके लिए इंपॉर्टेंट ही है सब कुछ। यू नो ग्लोबली स्पोर्ट्स टीम एनिग्मा फॉरएवर गॉडल एंड ओजी, दे कैन स्टिल चेंज प्लेसेस इन द फाइनल लिस्ट, ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, आराम से कर सकते हैं, बट डिपेंड्स वो जो गेम चाहिए करने के लिए वो थोड़ा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा अलग है, वो तो हमें टाइम ही बताएगा। Introducing the new Hyundai Venue. Left the lid life. अब शैडो ने गैम्बल खेला, वो बिल्कुल मैप के कोने पे गए हैं। यूजली हमें औरंगडान दिखती है बिल्कुल जार की तरफ जाते हुए, उसके बाद भी रोटेशन करती है, नॉर्दर्न साइड से अप्रोच करती है, स्लो खेलती है, फिर धीरे मारते धारते सर्कल का सेंटर पकड़ना पसंद करते हैं। बट कमेश्की में यहाँ पर स्प्लिट देखिए, दो प्लेयर मुझे कमेश्की का कंपाउंड में देख रहे हैं, एक स्टालबर में नियो यहाँ पर लूट करते हुए देख रहे हैं, एंड शैडो तो अलग ही है मैप के कोने में। इसका मतलब क्या ओशन दे वन अ प्ले एज, दे वन अ प्ले स्लो, दे वन अ प्ले सेफ, क्या वो अब मुझे गॉडल क्या पोजीशन पॉइंट्स को ज्यादा फोकस में करते हुए दिखेगी? दे जस्ट वन अ प्ले, दैट्स ऑल, नथिंग अबाउट प्लेइंग स्लो, नथिंग अबाउट प्लेइंग सेफ, दे वन अ प्ले अ ब्रिलियंट गेम। जो आज उनको ट्रॉफी, जो ट्रॉफी उनकी नजरों के सामने रहती है ना, वो ऐसा गेम खेलना चाहते हैं कि वो सीढ़ियों से उतरें जहां पर वो बैठे हुए हैं, सीधा ट्रॉफी तक जाएं, उसको उठाएं और बोलें कि हाँ हमने ये कमा लिया, वैसा एक गेम वो खेलना चाहते हैं। सोल के खिलाड़ी, इनको कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग विनर विनर स्विगी डिनर, स्कैन द QR कोड फॉर अ चांस टू विन अ फ्री डिनर फ्रॉम स्विगी। और वो जवाब जो ये देना चाहते हैं वो इनसेन के नाम के बिल्कुल साथ साथ शायद इनके लिए चल सकता है, क्योंकि इनसेन के खिलाड़ी, अब देखिए इतनी रीड्स और इतनी स्ट्रैटेजीज तो हर किसी ने बनाई है कि सबको पता है कि भाई गत्का के अराउंड कौन सी टीम उतरती है, उनको पता, इनसेन को पता टीम सोल है, उनको फाइट लेनी, हर टीम को वो प्राइस पूल का चंक बढ़ाना है अपने लिए। तो ऐसे में लास्ट गेम है, जो फाइट होगी जैसी फाइट होगी वो लेना चाहेंगे, बट टीम सोल विल हैव टू अंडरस्टैंड वो कैसे ये फाइट के अगेंस्ट पार पा सकते हैं। सुनामी, उनके पास थॉमसन, 50 गोलियां, रेड डॉट और लाइट होलोग्राफिक से रेड डॉट में स्विच किया है उन्होंने। इनसेन की आधी भी इस जगह को देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कैसे घेर रहे हैं वो एक्चुअली गत्का के एरिया को। कोशिश अच्छी है उनकी, बट लेट्स सी कि क्या कुछ अच्छा प्रोडक्टिव इस चीज़ से वो कर पाएंगे। क्रॉस गेम की अभी शुरुआत हुई है, हमारा जो पहला सर्कल है कुछ क्षणों के अंदर क्रश करेगा, एक नया सर्कल बनाएगा और वो बताएगा हमारी टीम की सारी मूवमेंट्स। ब्लू जोन अभी थोड़ा सा डैमेज दे सकती है गॉडल को, कॉज वो ब्लू जोन के थोड़े नज़दीक है, जॉनथन एंड ज़ीगॉट स्पेसिफिकली, एंड उतनी देर में एनिमा को अगर देखते हैं वो मैंशन शेल्टर का एरिया थोड़ा क्रॉस आउट कर अब जोन के अंदर एंटर करेंगे। द लकी पार्ट इज कि जब वो एंटर करेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, बट जिस तरीके से वो जा रहे हैं शायद अब एक्सो उनका स्वागत कर सकती है। ग्लोबली स्पोर्ट्स, इन्होंने भी कुछ अलग कराया आज, यूजली ये यसनाया जाना पसंद करते हैं, अभी के लिए ये मिल्टा पावर के आसपास है और अब अगर इन्हें जोन में जाना है सबसे पहले इनका वेलकम करेगी एक्सो, उसके बाद टीम एनिग्मा फॉरएवर। सेंटर जाने का सपना देख लिया तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है। मुझे एलिमिनेटर देखना है जिसके अंत तक रहता कौन है, क्या गॉब्लिन ही ऊपर रहते हैं या फिर जॉनथन, देखिए एक फिनिश की दरकार है, क्या वो उनसे ऊपर चले जाएंगे। आई मीन हर एक यहाँ पर जो स्टार्ट है उसके ऊपर भी आपके पास काफ़ी अलग ब्रैकिंग राइट्स रहेंगे, प्राइस रहेगा, सो टीम्स यू नो डेफिनेटली कोशिश कर सकती हैं। टीम एनिग्मा फॉरएवर
पर द वे ओवेस स्टार्टेड ऑफ द जर्नी टुडे और कल का मिरामार दे वर ब्रिलियंट. हालांकि कल के मिरामार में वो डिसीजन नहीं आ पाया जो चाहिए था, बट आज की शुरुआती गेम में आया जरूर. देखते हैं ये अपनी टीम को और कितना आगे लेकर के जा सकते हैं इस पूरी गेम के साथ, क्योंकि हर टीम अपना सर्वश्रेष्ठ एक आखिरी बार देगी टीवी पे. अभी Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. Kevin bhi thoda passive approach lete hue abhi tak military base ka area chhodne ke liye taiyar nahi hai wo. Aur they wanna play slow. Ye to confirm hai. Ab high chances yahi honge ki query se seedha hospital ki taraf jayenge ya to ghatka ki taraf jaakar thoda sa off rotate karenge jisse ki position pehle safe ho jaye. But aapke samne aa chuka hai yahan par ek mauka टॉप गेमिंग ट्रैक्स पाने का फ्री में, वो भी हमारे जितने मास्टर्स हैं उनकी पर्सनल प्लेलिस्ट, साथ साथ ओशन अनंत मिथपैट का एक क्रेजी पॉडकास्ट जहां पर गेमिंग एंड लाइफ जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक गाइडेंस सा एक पॉडकास्ट है, जरूर देखेगा. एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, यू नो स्विगी आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है, आपको अगर काउंसलिंग चाहिए वो आपको स्पॉटिफाई दे रहा है, मिथपैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड, जरूर अपना है. बट येस जो सर्कल है ये दिस सर्कल स्टफ बिकॉज ब्लाइंड को तो फेवर कर रहा है, सेंटर है पोचेंकी, बट वो पार्ट देखिए जहां पर टीम एनिग्मा फॉरएवर, एक्सो एंड एनिग्मा क्लस्टर बनाए बैठी है. टीम ब्लाइंड का मूवमेंट काफी अच्छा है इस समय, सीधा उन्होंने पोचिंगी छोड़ दिया और नीचे आ गए. अगर ऐसे में हार्ड शिफ्ट हो गया ना और सर्कल वापस पोचिंगी की तरफ गया तो शायद वापस से उनको उनके ही घर में जाने में दिक्कत हो सकती है. बट इनसेन वर्सेस सोल, ये अब देखिए एक चीज हो गई है, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है दोनों टीम्स का. आप सोचिए राइट, थोड़े बहुत शॉट्स उधर से आते हैं, थोड़े बहुत शॉट्स इधर से आ रहे हैं, इट्स अ प्रॉपर टाइम वेस्ट राइट नाउ इस पूरी फाइट के बीच में. बट इनसेन फाइट लेना चाहती है और वो जो घेराव है वो अभी भी हो रखा है, दो खिलाड़ी इधर दो खिलाड़ी उधर, मतलब टीम सोल के लिए मुश्किल है तो थोड़ी बहुत बनी रही. हालांकि टीम सोल के खिलाड़ी बाकियों को भी देख रहे हैं इधर उधर से मूव करते हुए और टीम सोल को पता है कि ऐसे में ओपन से निकल के मूव नहीं कर सकते, सर्कल में है बट एज पर है. स्काईलाइट्स भी इनके पीछे जा रही है जिनके खिलाड़ी को वो अक्षत थोड़ी देर के लिए देख रहे थे. बट अगर टीम सोल को एक ओपनिंग मिल गई या फिर इनसेन को एक ओपनिंग मिल गई, मुझे लगता है डंके की चोट पर कड़ा प्रहार होगा. बट यहाँ पर ना कॉज प्रॉब्लम मुझे एक चीज़ लग रही है कि इनसेन एंड सोल उनके पास अपने डेडिकेटेड रिस्पेक्टिव कंपाउंड है, गुड फॉर देम, बट ये सर्कल के एक ऐसे कोने में अनटिल अनलेस जो अगला सर्कल है अगर वो हार्ड शिफ्ट लेता है वेल एंड गुड, अच्छा टाइम जाएगा गेम के अंदर, थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा. बट वट इफ इनके अपोजिट कट जाए या ग्रेजुअल कट आते, हैव टू लिटरली यू नो थोड़ा थोड़ा पुश तो करना पड़ेगा और उस टाइम पे जो फाइट होगी वो जबरदस्ती की फाइट होगी और जब इंपेशेंट एक्शंस किए जाते हैं उनके इंपेशेंट रिजल्ट्स भी आते हैं. सर्वाइवर की बात करें तो यहाँ पर हमें ट्रिगर देखने को मिल रहा है, आपको याद होगा डेल्टा पीजी थे बट जो गेम्स के अंदर आउट, ऑब्वियसली दो तीन गेम्स में कितना बड़ा फर्क आया कि ट्रिगर, क्योंकि ओजी का पिछला गेम काफ़ी अच्छा था तो ट्रिगर देखने को मिलते हैं. ड्रीम्स की एचपी थोड़ी सी लो है, खुद को हील अप तो कर लेंगे 75% और भी यहाँ पर अपनी एचपी धीरे धीरे बढ़ाते नजर आएंगे. 11 मिनट का समय हो चुका है, ये गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा, अब आगे आने वाले वक्त को ही आपको देखना है. इन सब टीमों को पता है कितना ज़रूरी है ये आने वाला वक्त इनके लिए और उसी के ऊपर चलते चलते ये खिलाड़ी अभी के लिए अपनी मूवमेंट्स कर रहे हैं. 11 मिनट 15 सेकंड, वो घड़ी की जो टिक टिक रहती है ना, वो इस समय दिलों की धड़कन की जो धक धक होती है उसके साथ एक एक अलग फ्रीक्वेंसी में मैच कर रही होगी. आई एम हैविंग दिस गट फीलिंग, आई डोंट नो, बिकॉज पूरे 22 दिन के अंदर मैंने जब जब बोला है कि यू नो ओमेगा इज बीइंग फेवर्ड विद द जोन, जिस तरीके से इनसेन भी उसी कंपाउंड को होल्ड कर रही है, सोल भी होल्ड कर रही है, दे हैव दिस यू नो एक ट्रस्ट बना रहा है कि उनको लग रहा है कि यहीं पे सर्कल कटेगा. बट नो यहाँ पर एक स्प्लिट भी करके बैठी है टीम इनसेन, दो प्लेयर अलग हैं और उन्होंने सोल को एक तरीके रैपअप सिचुएशन के अंदर कवर कर रखा है. अगर एक भी वीक मूवमेंट आई टीम सोल की तरफ से देन प्रॉब्लम हो सकती है. बट सी दिस, स्कूल अपार्टमेंट तक का सफर तय कर चुकी है गॉर्डन, दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम स्टैल्बर एंड कमेश्की, अब अपार्टमेंट्स के अंदर ये टीम अभी अपने आप को प्लेस करके बैठी है. दे आर वेटिंग कि नया सर्कल आएगा, एक नया तरीका ढूंढेंगे उस सर्कल के अंदर एंटर करने का. मे बी दे विल ट्राई टू यू नो फाइंड एवरी पॉसिबल वे टू पेनिट्रेट दो डिफेंस क्रिएटेड बाय दोस टीम्स. आपको पता है केविन एक्चुअली नीचे उतरी थी, वो बोटेशन करके पहले मिलिट्री बेस गए फिर वापस ब्रिज से आए हैं. लेकिन सर्कल, ये सर्कल किधर जाएगा? शैडो भी पोचिंकी के ही नीचे की तरफ को है, बाकी खिलाड़ी और नीचे जा चुके हैं. ये सर्कल का शिफ्ट है बहुत ज़्यादा जरूरी. ओ आर गॉडलाइक उधर ही, एंड जैसे बात करिए अब देखिए ब्लाइंड वापस पोचिंकी की तरफ को मूव करेगी. थोड़ी देर पहले इसी चीज़ की बात करेगी, ये सर्कल जो ऊपर जाएगा ब्लाइंड की खिलाड़ी पोचिंकी का जो एज रहता है जस्ट ट्राइंगल का, वहाँ पर जाकर के वो रुक सकते हैं. बट एफ एस भी पहुँच रही है. नाउ देयर आर टीम्स दैट वॉन्ट टू मेक अप अ गुड स्टेटमेंट फॉर देमसेल्व्स ऑन दिस लैन इवेंट एंड देयर आर टीम्स दैट हैव नथिंग टू लूज. योलो जाने का पूरा पूरा यहाँ पर यू नो शुरुआत हो सकती है उन टीम्स की, क्योंकि इसके बाद कोई गेम ही नहीं है. और अब
होंगी फाइट्स जो की शुरुआत हो रही है 8-bit जूसी के द्वारा। ये मास्टर सीरीज का सबसे स्लो गेम है, 13 मिनट गेम को होने आए और यहाँ पर हमने बस एक आधा प्लेयर खोया है, वरना 7-8 मिनट के अंदर हमें रोटेशन एक्शन देखने को मिल जाता था। इसका मतलब इस गेम में कितना प्रेशर है हम देख के फील कर सकते हैं, खेल के फील कर सकते हैं। बाकी पे काफी ज्यादा ओपन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट जूसी के शॉट थे काफी प्रेसाइज, रेज को ओपन में नॉक करा, टैप कर उनको किया फिनिश। एंड अगर अभी बात करेंगे एसएलआर चलाते हुए देख रहे 8-bit के प्लेयर्स, अब थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए एक अच्छी पोजीशन ली, बट आतंकी ने शैडो को इतने नॉक एंड फिनिश गॉटन, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि अभी ऐसी सेफ पोजीशन में नहीं है कि वो गलती कर सके। अगर गलती करी सेकंड थर्ड टीम बहुत क्लोज है एंड दे कैन टेक डाउन गॉटन इजीली। But there's a checkmate situation on the other side as well. उसके बारे में बात करेंगे। 8-bit के खिलाड़ी अभी के लिए केमिन के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं। केमिन के दो खिलाड़ियों का नुकसान उनको झेलना पड़ा। जूसी बिल्कुल सामने आए थे, वापस अपने टीममेट्स तक गए क्योंकि उनका भी नुकसान है। चेकमेट सिचुएशन की बात करी थी, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इनसेन वर्सेस सोल, वो जोन के बाहर है एंड द ब्लू जोन कमिंग अप फॉर देम, मतलब उन खिलाड़ियों को मूव करना, लेकिन यहीं पर थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। थ्रोएबल्स थोड़े खराब हो सकते हैं क्योंकि अल्ट्रॉन को इनफैक्ट स्प्लैश डैमेज पड़ेगा, बीस्ट को हील करना था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डेल्टा पीजी का ग्रेनेड था, ये शायद हरी झंडी हो सकती है केविन को आगे मूव करने के लिए, बट केविन जाए भी तो जाए कैसे क्योंकि बैक एंड से आ चुके निग्मा गैलेक्सी मल्टीपल फाइट्स। एक समय पर आप ही की लाइन थी कि कोई फाइट ही नहीं हो रही है, स्लो गेम है, लीजिए यहां पर हो गई शुरुआत। यहां पे केविन के लिए बैड फाइट प्रूव होने वाली है बिकॉज़ दे वांटेड टू टारगेट 8-bit बट अनफॉर्चूनेटली पीछे हो गया। बट इस फाइट के अंदर देखिए किस तरीके से आगे गेम बढ़ती है, इनसेन के हेक्टर अकेले बचे हैं यहां पर, जैसी को डैमेज देने की कोशिश करेंगे, काफी कम एचपी, हेक्टर इज द ओनली वन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम सोल, सोल के सपने काफी कुछ हेक्टर मियां पे डिपेंड करते हुए देखेंगे। आदि वाला फर्स्ट कुछ करना चाहेंगे बट हेक्टर का जो क्लोज रेंज है वो अलग है, बट उनको मौका तक नहीं मिला और दिस वॉज समथिंग अ बिग सरप्राइज फॉर मी मैन। A vector and 33 bullets. Well, it's a team soul. अब इस गेम से बाहर होती नजर आई है। दूसरी तरफ की अगर बात करें 8-bit के खिलाड़ी, उनकी कोशिश अभी भी अपने लिए एक अच्छा गेम निकालने की दरकार रहने वाली है। आज का सैन ऑफ टॉप 2 के अंदर उनको देखा था लेकिन वो चिकन नहीं पहुंचा था। उसके बाद की इनकी फाइट अगर बात करें, मिरामार में इनकी पहली फाइट टीम सोल से हुई थी, अब केम इनके साथ इनकी फाइट होती हुई, 20 बहुत आगे पहुंच चुके हैं। जस्टिन के बिल्कुल ऊपर प्रहार करना चाहेंगे बट जस्टिन भी वहां से मूव आउट कर रहे हैं, बगी की आवाज जो है उन्होंने सुन ली और अब जाकर के स्प्रे देंगे, जस्टिन को डाउन करा जा सकता है। एंड येल यहाँ पर यस वो डाउन करेंगे भी इस सिचुएशन में, लेकिन अब डेल्टा पीजी को समझना पड़ेगा कि इस बार भी अब वो अकेले बचे हैं इस फाइट में। और मजे की बात ये है कि डेल्टा पीजी एंड जस्टिन मतलब टू प्लेयर्स जो फ्रंट लीडर्स हमारे केमिन के एंड वो नॉक हुए थे, रॉबिन एंड डेस्ट्रो सेव देम और वो ही गेम में नहीं है। अब जस्टिन को बचाना डेल्टा की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर नेट को करके फेंका एमजे ने, बट क्या ये नेट कुछ कर पाएगा? नहीं। जूसी और अल्ट्रॉन को चिन से डैमेज तो नहीं पड़ा, आई थिंक इट वाज 20, हल्का सा स्प्लैश डैमेज तो पड़ा, बट निग्मा गैलेक्सी उनको ध्यान देना पड़ेगा और निग्मा गैलेक्सी ने ऑलरेडी एक प्लेयर खो रखा है। 8-bit के लिए खोने के लिए भी कुछ नहीं है, वहीं पर निग्मा गैलेक्सी का भी सेम कंडीशन चल रहा है, बट ये क्या फाइट जरूरी है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट हमेशा एनिग्मा अभी जोन का फेवर उठाते हुए साथ साथ एक और टीम उनके साथ दिख रही है, दैट इज टीम ओरंगुटान। ओआरबी नॉर्दर्न साइड से अप्रोच करिए, गॉडल प्लेइंग स्लो, रेवेनेंट के जो प्लेयर्स दिख रहे हैं मुझे वो भी अब ईस्ट रीजन से अप्रोच करेंगे। Enigma versus Global Esports, it's an important match for Global Esports as well. मुझे एक टूर्नामेंट हमेशा याद आता है जहां पर Enigma ने एक फिनिश पॉइंट नहीं दिया था और उसके कारण Global Esports को हुआ था लाखों का नुकसान। इस समय Global Esports के पास चांस है, वो भरपाई, वो रकम की भरपाई उतनी शायद ना हो पाए लेकिन यहाँ फाइट लेकर के उनको एलिमिनेट करके कोई भरपाई तो कर ही सकते हैं। देखना यह है कि क्या ये फाइट होती नजर आएगी क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने और इनके बिल्कुल सामने ओजी भी देखने को मिल रही है। ओजी को आवाज आएगी जरूर इन शॉट्स की, हर चीज की आवाज आएगी, लेकिन इस फाइट की बात करते हैं जो यहां पर हुई थी, जोन आ चुका था, प्लेयर्स को निकलना पड़ा, एक डेस्परेट मूव दोनों साइड से देखने को मिला, बट ऑफ एंगल से इनसेन ने जितना हो सका पकड़ा खिलाड़ियों को और आप देखिए अक्षत पीछे मुड़ रहे थे, उसमें दिक्कत हुई। हेक्टर एक बार के लिए बाहर आए लेकिन उसी के अंदर उनका घर प्रॉपरली पता चल चुका था और हेक्टर 33 गोलियां उस वेक्टर में हेक्टर के लिए काफी खराब है। वहां पर एक फ्री फायर का शिकार बनते हुए दिखे हेक्टर, बिकॉज़ हेक्टर व्हेन ही वाज क्रॉसिंग दैट कॉरिडोर उस टाइम पे कुछ गोलियां उन्होंने खाई, उसकी वजह से उनकी एचपी पूरी चली गई। मोलोटॉफ क्या कुछ फर्क ला के देगा? 47 एसटी टाइमली उन्होंने जंप कर उस मोलोटॉफ के डैमेज को अवॉइड करने की अच्छी कोशिश करी, बट ये फाइट इट्स नॉट इजी फॉर एनिग्मा। एनिग्मा के पास फिर भी डिसेंट पॉइंट है, उन्होंने फिनिशेस कलेक्ट कर रहे हैं, बट पीछे ग्लोबल ईस्पोर्ट भी अगर वो टाइमली अटैक करें, अगर एक वेल एग्जीक्यूटेड प्लान आए पर को देते 47 एसटी काफी ज्यादा गट्टी मूव, दैट ड्रॉप डाउन शॉट एंड यू नो दैट बैरल का डैमेज इस बगेट ऑफ पर कितना ज्यादा है, और एक एक करके एनिग्मा के सपने हाथों से बाहर करते हुए अपने प्लेयर को रिवाइव भी देंगे और अब गेम के अंदर एफएस की पकड़। बट उन्होंने क्या किया है, दो प्लेयर खो चुके हैं, एक प्लेयर नॉक, एनिग्मा भी बाहर नहीं हुई है। यहां पर
डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, बट दैट नेट वाज सो क्लोज, काफी कम एचपी में रिवाइव देने की कोशिश, रेक्स ही कोशिश तो कर रहे हैं, बट आईजीएल को क्या बचा पाएंगे? अभी के लिए रिवाइव दे दिया, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स आ चुके हैं, मतलब इसके बारे में अभी को बता रहेगा, बिल्कुल सामने की तरफ को एक प्लेयर को डाउन कर सके, बट रोनी को देखा नहीं, रोनी ने एक्चुअली देखा नहीं उस जगह पर, और यही चीज अभी इतनी कम एचपी में उनको डाउन करते नजर आएंगे, लेकिन साथ के साथ एक बैकअप आया था जो कि दिक्कत दे गया। K47 एसटी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइविंग ऑन अ वेरी वेरी स्लिवर चांस कि वो यहां से जीवित निकल सके। रेक्स, उनके पास बैंडेजेस, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, बट अब पूरी फाइट जो है वो स्विच आउट हो चुके K47 के हाथों में, उनको कुछ भी करके इस समय जीवित रहना, उनके साइड से थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रेक्स की भी साइड से थ्रोएबल्स जा रहे थे, लेकिन अपने टीममेट को नहीं बचा पाएंगे, मन्य को मिलेगा वो उनके लिए जो फिनिश पॉइंट है, बट एक्सो उनके लिए भी हो रही है दिक्कतें, ब्लाइंड का भी हो चुका है एलिमिनेशन, टीम सोल वाज द फर्स्ट टीम और अब टीम ब्लाइंड फॉलो अप करती है, बट K47 दिस लैड, दिस यंग गाय रिफ्यूजेस टू गो आउट येट। ओशन, इस वक्त सर्वर में कम से कम 5 से 6 टीमें हैं जिनके कुछ ही प्लेयर बचे हैं, एनिग्मा गेमिंग एक प्लेयर, एफएस एक प्लेयर, गॉडल के दो प्लेयर, केमिन के दो प्लेयर, 8-bit के दो प्लेयर, इसका मतलब जब मैंने 12 मिनट पे बोला था कि एक्शन नहीं हो रहा, प्लेयर्स ने बहुत सीरियसली ले लिया, और अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टीम्स है, ग्लोबल स्पोर्ट के पास 4 प्लेयर जिंदा है, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द गोल्डन डोर, टाइम पर नॉक करना है, टाइम पर अंदर घुसना है, टाइम पे परफॉर्म करना है, एंड ट्रस्ट मी, अगर सब कुछ रहा टाइम पे, वो ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं है उनसे। इफ प्लेड राइट, ओजी का गेम हो सकता है ये, इफ प्लेड राइट, ओजी का गेम हो सकता है, दे हैव अ गुड पोजीशन अराउंड द जोन, हालांकि उनके पीछे से शायद कोई टीम रोटेट कर सकती है। वहीं पर 8-bit की बात करें, ग्रेनेड निग्मा गैलेक्सी उनकी तरफ कर रही है, एक ग्रेनेड वहां पे अल्ट्रॉन की साइड पे, अल्ट्रॉन ने खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है, अब 8-bit के ऊपर हावी होता है निग्मा गैलेक्सी, खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, 20 को डाउन किया जाएगा, इनफैक्ट फिनिश किया जाएगा, टीमें बची हैं 11, लोग बचे हैं 35, और यस टीम तो चलती रहेंगी, बट आपको मौका दे रहे हैं, आप लोग फ्री का यूसी फ्री रिवॉर्ड जीतने का, QR कोड को स्कैन कर लोगों के ऐप पे जाइए, एंजॉय करिए मास्टर सीरीज का फाइनल मैच, डोंट मिस इट आउट, और वहां पर देखने की भी गोल्ड है, बहुत कुछ मिल रहा है आपको, डोंट मिस दिस आउट, बट यहां पर जो फाइट चल रही है एनिग्मा गैलेक्सी वर्सेस रेक्स, एक नई टीम इस मेहनत की मलाई खाने के लिए आए थे, बट अफसोस MJ and Vic C इस सिचुएशन के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक्सो जिस टाइमिंग पे अटैक करी, इट वॉज सो प्रिसाइज, और they caught off guarded, बिल्कुल हाथ ऊपर थे, and they got arrested, they are out of the game, top 10 teams, but this player, G got काफी ज़्यादा damage लेके smoke के अंदर, एक और गोली उनके ज़हन के अंदर, and G got knock out, दो पैर बचे थे, अब क्या Jonathan, the MVP contender, अपनी टीम के लिए ये ट्रॉफी घर पे ला पाएंगे ओशन? और खिलाड़ी ने प्रहार जरूर किया, लेकिन वहीं पर उनके पास स्काईलाइट की साइड से भी दिक्कतें हो रही है, यस जॉनसन इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, यस 3 फर्स्ट एड, सभी के लिए फर्स्ट एड लगा सकते हैं, पांचवा सर्कल है, धीरे धीरे क्लोज इन कर रहा है, 104 मीटर गॉड लाइक के जॉनसन 16 इस समय जोन के बाहर के एरिया पर, फर्स्ट एड वापस से लगाने की उनकी दरकार रहेगी, फर्स्ट एड अभी के लिए लगाना उन्होंने शुरू नहीं किया है, शायद थोड़ा लेट हो गए तो मुश्किलें हो सकती हैं। डेल्टा पीजी उनको भी डाउन किया जाएगा, कमला बॉय का फिनिश जो एक्सो के फियर्स के पास आ चुका है, पुकार ओआर के आतंकी को डाउन करते नजर आएंगे, डेल्टा पीजी को भी यहां पर डाउन किया जाएगा, मतलब फिनिश जस्टिन का निकलता हुआ, अब बची एक फर्स्ट एड, जॉनसन हैज टू मेक हिज रन, ही हैज टू मेक हिज रन, रन जॉनसन, रन फॉर द जोन, क्योंकि वो एरिया पकड़ना जरूरी है, 9 टीमें यहां पर भी अगर एलिमिनेट हुए टोटल मिलेगा 1 अंक, इज रनिंग, रन जॉनी रन फॉर द जोन, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सर्कल तक जाते 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 कदम रुकेंगे जॉनसन के, आउटसाइड द प्ले जोन, दैट मींस दे गेट 1 पॉइंट, दे गेट 1 पॉइंट, अदरवाइज देयर इज नथिंग, फिनिश का कुछ नहीं, बट 8 से 12 में मिलता है एक मात्र अंक। ये गेम का इंटेंसिटी इस वक्त आसमान छू रहा है फॉर श्योर, बिकॉज अभी भी 2 टीम है ऐसी जो गॉडल को आसमान से गिराकर जमीन पे ला सकती हैं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट ओजी बरकरार टिकी हुई है, एक्सो का एक प्लेयर नॉक है, एडन टीएफ एज़ वेल, व्हाट आई वुड से एडन टीएफ एज़ वेल, क्योंकि टीएफ भी तो आज बहुत अलग खेली है, अभी तक उनके पास 4 प्लेयर जिंदा, एक प्लेयर नॉक है, उनके पास फिनिशेस नहीं है, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट ये उनका अपॉर्चुनिटी है, That one final game, one final blow, क्या ये पूरा जो phrase है globally sports लिए बोला गया है? They like to fight. I don't know. They like to fight, and this is the best fight that they can have for themselves. अगर खेला जाए, 27 लोग जीवित, ये 27 लोग, इन्हीं 27 में से कोई एक इस गेम को अपने नाम करेगा, उस ट्रॉफी को अपने नाम शायद करेगा, अब डिपेंड करता है कैसा खेला जाएगा उनके द्वारा। 8 टीमें, 8वें पायदान पर जिस भी टीम का एलिमिनेशन होगा उनको मिलेगा 1 अंक, उसके बाद बढ़ेंगे यहां पर अंक, एक्सो के काफी करीब टीम एनिग्मा फॉरएवर है, इफ टीम एनिग्मा फॉरएवर कैन हैव अ गुड फाइट फॉर देमसेल्व्स, दे कैन स्टार्ट ऑफ देयर मोमेंटम राइट नाउ, क्योंकि अभी के लिए उनके पास कोई अंक नहीं है। ओवरऑल बात की जाए, सेंसे को डाउन किया जाएगा, दलजीत फिनिश उठाते नजर आएंगे, लेकिन दूर दराज के एरिया से इमॉर्टल कोशिश कर रहे हैं, ओवेस को डाउन किया है उन्होंने,
उन्होंने पंख, फाइट लेने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से भी आएगी। पता है पीछे टीम एनिग्मा फॉरएवर है, बट जो जोन आ रहा है वो लिख सकता है एक खराब कहानी। मैक्स कैश के ऊपर स्प्रे करने की कोशिश पीएस की, बट अभी बाकी खिलाड़ियों का तो यहां पर फिनिश उठाएंगे। अब ये देखिए इस फाइट के अंदर फायदा एक्सो का भी नहीं हो रहा, बट नुकसान एनिग्मा फॉरएवर का एक बहुत बड़ा हो चुका है। दलजीत नॉक है, 420 नॉक है और टीम एनिग्मा फॉरएवर ऑलरेडी ओवेस को खो चुका है। आई थिंक इट वाज मैच जो अकेले बचे, रेवरेंट के भी जो प्लेयर्स हैं खत्म होते दिखेंगे, बट एक टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है, दैट इज ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। अभी भी बरकरार टिके हुए हैं, उनके पास पोजिशन तो नहीं है, जोन के अंदर एंटर करेंगे, बट अकेला मैक्स काश क्या उनको रोक पाएगा। जोकर ने यहाँ पे शुरुआत कर दिया, एनिग्मा के रेक को कंप्लीट किया, इसका मतलब एनिग्मा गेमिंग इज आउट। #8 पे एलिमिनेट होंगे दो फिनिशेस के साथ। इस गेम के अंदर एनिग्मा ने पूरे 3 पॉइंट कमाए हैं, जली ने नेट को कर रखा है। अगर ये नेट कामयाब रहा देन ओजी को भी होगी प्रॉब्लम, दर्द होगा, बट पंक वहीं पे सोमराज को कंप्लीट कर रेवेनेंट एंड एवरीवन paying the price. Orangutan needs to have the best fight as well for themselves. OR ki baat kare, rokne ki koshish hai, throwables kiye ja rahe hain. Orangutan pichle game mein #2 the, aisa na ho ki overall mein bhi kahin #2 par hi aakar ke atak jaye. 17 log jeevit hain, ye 4 Orangutan ke dhurandhar apne liye numbers batorne ki koshish ab karenge, ab shuruaat hogi, but Exo ko bhi bahar ka rasta dekhna padega. Isi ke sath Exo ka bhi jo rat hai yahi par rukta hua, but Orangutan ke trigger, Orangutan ke ek OP गॉडैश ये कर रहे हैं कोशिश आगे मूव करने की। आरू को अगर देख लिया तो दिक्कतें हो सकती है, जेली को अगर देख लिया तो दिक्कतें हो सकती है, और वो दिक्कतें होंगी ओआर को। अब यहां पे टॉप 5 टीम्स है, इसका मतलब अगर हमें पॉइंट टेबल का स्ट्रक्चर पता है, नो जगह थोड़ी सी बनानी है, थोड़े से फिनिशेस और काम हो सकता है। टॉप 3 के अंदर का जगह बनाई ओजी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने, फायदा हो जाएगा टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए। फिफ्थ पोजीशन, एक फिनिश, खास पॉइंट्स ही मिलेंगे इस गेम के अंदर, इसका मतलब फॉरएवर इज आउट। अब बची है 4 टीमें, 14 प्लेयर। OR रेस में नहीं है, स्काईलाइट रेस में नहीं है, बट दो टीमें हैं और ऑरंगुटान के दो पे नॉक है, ग्लोबल ईस्पोर्ट के एक पे नॉक है। जोकर काफी ज्यादा ओपन में पकड़े गए यहाँ पर, आदित्य कंप्लीट करते उससे पहले उन्होंने जिगल करा, शॉट कनेक्ट करे, मन्या ने एक ओपी को खत्म कर दिया। दो बड़े शेयर लड़ रहे हैं आपस में, दिस इज आउट ऑफ माइंड नाउ। आज पूरा देश अपनी टीवी से अगर चिपका है वो ये देखने के लिए कि इस लैन का विजेता कौन बनेगा। 4 टीमें जीवित है, उस चीज को अभी के लिए मोहर लगाने के लिए ओजी ने अपने 2 खिलाड़ी खो दिए, बाकी तो वो खोना नहीं चाहेंगे। अगर खो दिया तो शायद वो फर्स्ट पोजीशन भी खो सकते हैं, अभी के लिए जो उनके पास हो सकती थी। लेकिन Orangutan विदाउट एनी फिनिश, दे सी द एग्जिट डोर फॉर देमसेल्व्स। 3 टीमें ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, 2 खिलाड़ी और किचर और स्काईलाइट्स, 2 खिलाड़ियों के साथ। अब ये स्काईलाइट्स के लिए ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कर सकता है फेर बदल, ये ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए ओवरऑल में कर सकता है फेर बदल। और ओआर के पास जो नंबर एडवांटेज है, दे माइट गेट अ चिकन डिनर, बट एट व्हाट कॉस्ट, दैट्स द क्वेश्चन। अब यहां पर जी फाइटिंग का नारा तो चलने वाला है फॉर श्योर, को जो ओजी अकेले कंटेंडर बचे थे, दे आर आउट। वो जिस तरीके से एलिमिनेट हुए, बट नो प्रॉब्लम, दे सिक्योर्ड सम क्रेजी पॉइंट्स, वी नो द रिजल्ट, बट यस गेम इज स्टिल ऑन। स्कारलेट्स के 2 प्लेयर बचे हैं, अभी भी गेम चल रहा है, पुकार कोशिश कर रहे, बिकॉज वी नो द डील, हर एक पॉइंट लाखों की डीलिंग क्रैक कर सकता है। प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं, क्या ओआर इस गेम को जीत कर रिडेम्पशन कर पाएगी कुछ। हर एक पॉइंट जरूरी होता जरूर है, बट ओआर ने अपने सारे प्लेयर्स को भी रिवाइवल दे दिया है, मतलब वो मैच जो आया बहुत लेट आया, देर आया, बट क्या उतना दुरुस्त आया देखने वाली बात होगी। और उसी के अंदर आप देखिए खिलाड़ी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बीच में एक डिप आता है और उस डिप के एरिया के अराउंड ही है ये पूरा जोन अगला, और आपके पास एक मौका रहेगा यहाँ पर एक क्यू आर कोड को स्कैन करने का, और उसी के साथ आप भी ले सकते हैं एक अच्छा अपने लिए डिनर स्विगी की तरफ से। बट ओआर उनको चाहिए चिकन डिनर इस समय, स्काईलाइट्स को भी, और ये फाइनल का इंटेंस वाला चिकन डिनर है, सो डोंट मिस दिस आउट। हमारी फाइनल 2 टीम्स, इट्स अ 4v2 सिचुएशन, वी नो द रिजल्ट्स, बट यस क्या यहाँ पे स्काईलाइट्स पुल ऑफ कर सकती, क्या ये एक क्लच कर स्काईलाइट्स स्टे इन द लाइट कुछ और यहाँ पर प्रदर्शन करके दिखा सकती है। आतंकी आरोहित्या जेली, दे ऑल सेट, दे वांट टू टेक डाउन पुकार एंड वैक्सी, दोनों के पास अच्छी पोजीशन है, जोन का एडवांटेज अभी 6 के 6 प्लेयर्स पे है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस चारों प्लेयर ओआर के इस वक्त भूखे शेरों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े, उनको पता है उन्होंने कौन सा जोन क्लियर कर रखा है, उनको यह भी पता है किस जोन में कहां पर स्काईलाइट्स के प्लेयर छुप रखे हैं। वैक्सी इज गोइंग फॉर अ नेड, वैक्सी इज गोइंग फॉर अ नेड, उनका ग्रेनेड आरू को स्लाइस डैमेज में रखेगा जरूर, मतलब ये पता चल चुका है वैक्सी को कि राइट हैंड साइड से मल्टीपल प्लेयर्स आ रहे हैं। अगला ग्रेनेड आरू के लिए
बहुत खराब हो सकता है, लेकिन वो स्प्लैश डैमेज देगा। दूसरी साइड पर ग्रेनेड जाएगा, लेकिन मैक्सी को वो पेड़ बचा लेगा अभी के लिए। अब थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, आगे स्मोक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सी के बारे में प्रॉपर, लेकिन वहीं पर पुकार आएंगे ऑफ एंगल से खिलाड़ी को डाउन करते हुए। पुकार के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, पुकार को डाउन करने की पूरी कोशिश। इट्स जस्ट वन प्लेयर मैक्सी, अगर उनको डाउन किया तो ये गेम पूरा ओआर का है, और ये गेम आएगा भी ओआर का। दे डू विन इट, बट एट व्हाट कॉस्ट? दे डोंट सीम हैप्पी, दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, जो कि ओवरऑल में आएंगे, बट द फाइनल गेम इज फॉर ओआर। नो डाउट यहां पे जिस तरीके से आने खेला, इट वाज अ गुड गेम। ये एक एग्जांपल था कि नेवर काउंट अस आउट ऑफ द गेम। हमारे कॉम्पिटिशन के अंदर हम हमेशा जिंदा रहते हैं, और उन्होंने प्रूव भी किया किस गेम में, ग्रैंड फाइनल के आखिरी गेम में विद द फुल टाइम चारों प्लेयर आखिरी तक सरवाइव करके रहे, और आखिरी में जो कंपटीशन दिया, इट वाज गुड गुड गुड, सुपर सुपर गुड। बट आई एम वेरी सरप्राइज, यू नो वी नो द कैलकुलेशन, बट ओ जी, यू नो दे डिडंट सिक्योर अ सिंगल फिनिश, दे गॉट किक्ड आउट एट द फोर्थ पोजीशन। थोड़ा पोजीशन और होता, थोड़े से फिनिशेस और होते, कंपटीशन कुछ और हो सकता था। कुछ भी फिनिशेस अगर होते, कंपटीशन कुछ और हो सकता है। लेकिन एक तरफ ओआर है, उनके एक साइड पे टीम एनिग्मा फॉरएवर, कोशिश उनकी भी थी। ऊपर स्काईलाइट्स, ओआर वर्सेस स्काईलाइट्स हुआ। राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें ओआर की साइड से, तो वहां पर हमें देखने को मिलती है गॉड लाइक ओजी के खिलाड़ी। इस समय सांस रुक रखी है कि कौन से पायदान पर है वो ओवरऑल में। हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट अभी के लिए हमारे जो सप्रू साहब है वो स्टेज पे वेट कर रहे हैं आपका। मैं नहीं संभाल सकता सप्रू साहब, प्लीज टेक इट अवे। 22 दिन 80 गेम्स का इंतजार हुआ है खत्म। शुरुआत की थी 24 टीमों के साथ, 16 उतरी ग्रैंड फाइनल्स में। बहुत सारे फेवरेट्स हैं इस पूरे ग्रैंड फाइनल्स में। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे देयर वाज अ टीम दैट वाज टिप्ड टू बी फेवरेट्स, बट ब्रेकिंग ऑल ऑफ दैट, वी हैव गॉट अ कम फ्रॉम बिहाइंड ब्लॉकबस्टर अंडरडॉग स्टोरी ऑन द नाइट ऑफ द फाइनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, roll out the red carpet, put the bubbly on ice, the champions, the winners of BGMI Masters televised for the very first time, Global Esports started the day at number 7. Godlike were tipped to be the favorites for today, but eventually on the leaderboard, Global Esports, with a phenomenal consistent performance in the last 3 games, has come out on top. 200 points ke barrier ko cross kiya, 201 point. Godlike ne 4 extra points teesri game mein nikala chicken dinner, aur aakhri game mein consistent performance ke saath they've ensured that whenever you remember for the very first time when BGMI Masters driven by Hyundai Venue was televised, it was these boys in blue and black came from behind. Come close to the trophy, boys. You made yourselves, your team owners, very very proud with your consistent performance. Aane do thodi muskan, machao thoda. There they come. Quietly confident. Remember we spoke to Rushindra Sinha after game 2 and he said, Shyam ko trophy hum saath hi ghar leke jayenge. There we go. The champions. Phenomenal. Just when it mattered. Very good day 1 and 2. Forgettable day 3 and 4. Leke just when it mattered. Just when it mattered. Global Esports have scripted history here tonight. Esports banega epic sports. Inhone to usko epic bana diya, boys. I will request you all to just kindly assemble here, because that's not all. Just assemble here. I would like to invite on stage somebody who will walk in with the key to this glitzy car standing behind me, Mr. Virat Puller, AVP and Group Marketing Head, Hyundai Motor India. Because these boys are not just going to walk home with the trophy. They'll be driving it in the Hyundai Venue. He's on the stage. Boys, that's not all. I know you love the trophy, but you're taking the car home as well. That's your prize too. ऐसे थोड़ी पैदल घर जाने देंगे, शान से जाएंगे. Red hot form on the night of the final. Excitement. You can understand. Let them have their moments. A nice photo opportunity. One for the ages. Dusri baar itna bada land tournament in Global Esports. You've done very well. Mr. Kullar, if I could just have your company here for a couple of moments. These boys are going to celebrate late into the night. So, I mean, this spanking new Hyundai venue might look a little different once the celebrations are over. Yeah, I'm sure. But you know what? For Hyundai to partner with an esports event on such a large scale, the first time ever when it was televised, what has the journey been like for you? The thought process behind it, and how satisfied are you with everything over the last few days? This has been a great series, the BGMS. Hyundai is proud to be the partner with Nordwind Gaming.
This is our first step into esports in India. And boy, this is looking really, really good. So we are very happy to be here. You know, you partnered with various international...